आपके भारत की न्याय पद्धति का नाश हो जाएगा तो भारतीय समाज टूट जाएगा। ऐसे ही मैकॉले एक बात और कहता था। मैकॉले की लिखी हुई एक चिट्ठी है मेरे पास, उसकी फोटोकॉपी। लंदन में एक लाइब्रेरी है, उसका नाम है इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, वहां से मैंने निकलवाई। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में से ऐसे कुछ 50,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मैं निकाल के लाया और वहां के कई लोगों की मदद से हमने वो निकलवाए हैं। तो उनमें एक चिट्ठी है मैकॉले की, वो उसके अपने पिताजी को उसने लिखी। जब वो यहां ऑफिसर बन के आया है तो मैकॉले क्या लिख रहा है कि भारतीय समाज को अगर बर्बाद करना है तो भारतीय न्याय पद्धति बर्बाद करो। तो वो करने के लिए उसने आईपीसी बना दिया, सीआरपीसी बना दिया, सीपीसी बना दिया और बर्बाद हुई। दूसरी बात वो कहता था कि भारतीय समाज को बर्बाद करना है तो भारतीय शिक्षण पद्धति का नाश करो। तो मैकॉले कहा करता था कि जो भारतीय शिक्षण पद्धति है, वो खुद मानता था इस बात को, ये दुनिया की सबसे ज्यादा विकसित और सबसे अच्छी पद्धति। क्या होता था, यहां गुरुकुल चलते थे, गुरुकुलों में विद्यार्थी पढ़ते थे और विद्यार्थी 20 साल तक 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे, संस्कार मिलते थे और वो संस्कार लेकर समाज में जाते थे, उन्हीं संस्कारों से संस्कृति बनती थी और वही संस्कृति भारतीय संस्कृति कहलाती थी। ऋषि थे, मुनि थे, बड़े बड़े ज्ञानी थे, महात्मा थे, वो गुरुकुलों को चलाया करते थे और सारे के सारे गुरुकुल जो चला करते थे उनमें वेदों का अध्ययन, पुराणों का अध्ययन, उपनिषदों का अध्ययन, जो भारतीय ज्ञान है, जो भारतीय मनीषा है, उन्हीं सबका अध्ययन संस्कृत के माध्यम से कराया जाता था। मैकॉले ने क्या किया कि गुरुकुलों का नाश अगर करना है तो उसने एक कानून बनाया। क्या कानून बनाया, संस्कृत में जितने विद्यालय इस देश में चलते थे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के जमाने में, उन सबको उसने इल्लीगल घोषित किया, गैर कानूनी, और उसने प्रतिबंध लगा दिया कि संस्कृत भाषा के माध्यम से कोई भी गुरुकुल चलेगा उसको अंग्रेजी सरकार मान्यता नहीं देगी। तो मान्यता किसको देगी, अंग्रेजी के माध्यम से जो कॉन्वेंट स्कूल चलेंगे उनको अंग्रेजी सरकार मान्यता देगी। और उसके लिए बाकायदा उसने कानून बनाया, उस कानून का नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट। और यह इंडियन एजुकेशन एक्ट लागू हुआ 1858 में, आज से लगभग 140 साल पहले। तो 140 साल पहले जो कानून लागू हुआ था अंग्रेजों के जमाने में, वही कानून आज भी चल रहा है। उस कानून के आधार पर मैकॉले ने क्या किया, संस्कृत के माध्यम से चलने वाले गुरुकुलों को बर्बाद कर दिया, कानून बना के उनको बंद करा दिया। जो उनमें अध्यापक होते थे, गुरु होते थे, उनको मार पीट कर अंग्रेजी सरकार जेल में बंद करती थी। जो विद्यार्थी अध्ययन के लिए जाते थे उनको रोक दिया जाता था, उनका अध्ययन ना होने पाए उसके लिए समस्याएं खड़ी की जाती थी। और दूसरी तरफ कॉन्वेंट स्कूल चालू कर दिए और उसमें अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षण देना शुरू किया। एक दिन उसने अपने बाप को चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में उसने ये लिखा कि मैंने हिंदुस्तान में एक ऐसी शिक्षण पद्धति पैदा कर दी है जिसमें अगर हिंदुस्तानी विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पढ़कर निकलने के बाद वो शरीर से हिंदुस्तानी होंगे, दिमाग से सब अंग्रेज हो जाएंगे। वो देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं। तो शरीर से हिंदुस्तानी और दिमाग से अंग्रेज। तो मैकॉले दूसरी बात लिख रहा है उस चिट्ठी में कि जब वो शरीर से हिंदुस्तानी और दिमाग से अंग्रेज हो जाएंगे तो अंग्रेजों के हिसाब से सारे काम करेंगे। और वो विद्यार्थी जब कॉन्वेंट स्कूल में से निकलेंगे तो सबसे ज्यादा गालियां भारतीय संस्कृति को देंगे, सबसे ज्यादा गालियां अपने मां बाप को देंगे। कैसे, मॉम और डैड कह के। डैड माने होता है मरा हुआ और मम्मी माने होता है शव। इजिप्ट में आप जाइए, मिश्र एक देश है, वहां पे ममीज कहा जाता है किसको, मरे हुए आदमी के शव को। तो हमारी मां हो गई मम्मी, मम्मी और पिताजी हो गए डैड। आया कहां से ये, मैकॉले ने डाल दिया हमारे दिमाग में। और मैं ये कहता हूं कि मैकॉले तो मर गया, उसका बाप भी मर गया, सब मर गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन उसकी जो आत्मा है वो हम सब में प्रवेश कर गई है।